आज के वीडियो में हम लोग कोसाइन लॉ का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आपको दिख रही है वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। ओरिजिन है हमारे पास, इस ओरिजिन को ओ ना बोल करके मैं ए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ट्राइंगल जो बनेगा वो ट्राइंगल एबीसी बनेगा। तो ए वर्टेक्स यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर ले लेते हैं और सी एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी इज अ ट्राइंगल, जहां से हम लोग निकालेंगे कोसाइन लॉ। और कैसे आता है, काफी इजी है, एक एक स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखो, वर्टेक्स ए के सामने जो साइड है वो होती है स्मॉल ए, ऐसे ही बी वर्टेक्स के सामने स्मॉल बी, एंड सी वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसे हम स्मॉल सी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएंगे एक परपेंडिकुलर। तो बना देते हैं परपेंडिकुलर फटाफट। हमने बी से एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर हम बोलेंगे बीडी बोलते हैं। चलो, बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना ठीक से आ गया। अब फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल के ऊपर। इस ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं। यहां से एडी क्या होगा और बीडी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सी, ध्यान से देखिए। देखो, इस ट्राइंगल के अंदर, किसमें, ए डी बी के अंदर बेस आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूस आपको दिया हुआ है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा आपका ए है, मतलब कि जो ए डी आ गया वो है सी कॉस ए। ए डी क्या आ गया, सी कॉस ए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बी डी अपॉन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि बी डी हमारा बन जाएगा सी साइन ए। बी डी क्या बन गया, सी साइन ए। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। इस ट्राइंगल को छोड़ दो, अब आ जाओ राइट साइड वाले ट्राइंगल के ऊपर। ये राइट वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं इसको, बी डी सी। तो इन ट्राइंगल बी डी सी हम लगाएंगे यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, अगर मैं ट्राइंगल बी डी सी की बात करूं तो बी डी सी के अंदर हाइपोटेन्यूस हमारा ए है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। क्या है बेस, ध्यान से देखो, हमारे पास सी डी बेस निकालना है हमें, हमें पता है कि ए सी जो है बी के इक्वल है। तो बी में से अगर मैं ए डी माइनस कर दूं, यानी बी माइनस सी कॉस ए करने पर ट्राइंगल बी डी सी का बेस आ जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ये कितना है, सी साइन दिख रहा है आपको, तो यहां लिखेंगे सी साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को खोलने पर टारगेट रखेंगे। ध्यान से देखो, हमारे पास है बी माइनस सी कॉस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल रहा हूं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस टू बी सी कॉस ए, और यहां पर देखो सी साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। इतना आपको ठीक से आ गया, आगे थोड़ा मूव करते हैं। तो यहां से सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए में से मैं सी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकालने पर अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू बी सी कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज वन, तो हमारा स्टेप कुछ ऐसा बना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। इतना ठीक से आ गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
हम माइनस टू बी सी कॉस ए को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाए तो हमारा स्टेप कुछ ऐसा बनेगा, टू बी सी कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद देखो ध्यान से स्टेप क्या बनेगा, हम कॉस ए निकालना चाहते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, दिस इज नोन एज कोसाइन लॉ। प्रूव हो गया, काफी इजी था। तो अगर कॉस ए आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी है तो व्हाट विल बी कॉस बी, कॉस बी का रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे हमने कॉस ए निकाला वैसे ही कॉस बी भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, एक रिजल्ट ये आ गया और एक और रिजल्ट लिखना है हमें, दैट इज कॉस सी। तो कॉस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, दैट वॉज द प्रूफ ऑफ कोसाइन लॉ। तो अगर आपके पास कॉस ए निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, कॉस बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला, एंड कॉस सी निकालना हो तो ये फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।